الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب ذوق اور شوق دے نال एक दफा सोने ते सोना जिहा दरूद ओ सलाम दा नजराना पेश फरमाओ। सलाम व رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ खामोश न रवे बावाजे बुलंद सलातो वसलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन असलातो वसलाम अलैका या خاتم النبیین والحمدللہ رب العالمین اے عشق نبی میرے دلی समा जाना है इश्क नबी मेरे दिली में भी समा जाना मुझको भी मुहम्मदी का को भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना कोई जुबान खामोश ना रवे अल्लाह ने तनु जुबान दिती है आज अपनी जुबान नु खोलना मिलके कह दियो मुझको भी मोहम्मद का बना जाना
तुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। और जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल है इश्क कभी मुझे को नींद से सुला जाना। इश्क कभी मुझे को नींद से सुला जाना। इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मदी का दीवाना बना जाना। और हजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अकदस ते हदिया दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब किबला साहबजादा हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद उस्मान बशीर साहिब और स्टेज ते तशरीफ फरमा पिराने इजाम और दीगर अजीज दोस्तों बुजुर्गों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहली मरतबा बरादरे मुकर्रम मोहम्मद हनीफ नक्शबंदी साहिब और उन्होंने इंतजामिया के हुक्म ते आप हजरात के सामने वाज करन दा शर्फ हासिल होया। दुआ फरमाओ कि खालके कायनात मालके कायनात राजके कायनात इस मुख्तसर जे वक्त दे अंदर मैनु हक सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए और मेरे बयान करने तो बाद आप लोगों दी समात करने तो बाद अल्लाह तबारक व तआला सदुआ घर अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। किसी आशिक ने बड़ी प्यारी बात की थी कि आ मदनी चुमा पेर तैडे जागदे बैठे हो या सुते पे हो हाथ खड़े करो खजेड़े हजरात सुते पे ने माशाल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत रखे। साड़ी मजबूरी ये है कि जिस वेले साड़ा टाइम आवे ना ते अवाम बिचारी एक एक घंटा नींदर पूरी कर चुकी होंदी ते थोड़ा जहा हुण मेरा भी साथ दियो। मैं काफ़ी टाइम दा स्टेज ते बैठा रहा ते हुण तुहाडे सामने हाजरी दा शर्फ हासिल होया। जे तुसा भी साथ ना दियो चूंकि मैं मुसाफिर इंसान हाँ ते तुहाडा हक भी बनता है थोड़ा जहा मेरे नाल बोलो ते जरा उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह मैनू पता लग जावे जागदे बैठे माशाल्लाह। सजियां नू ढेर बोलना चाहिए खब्बे ढेर बोले ने जरा उच्ची आवाज नाल कहो ना सुभान माशाल्लाह। दिल खुश हो गया तुसा जागदे बैठे हो। अल्लाह अल हाफिज़ साउंड वालियां नू भी सलामत रखे। तो किसी आशिक ने की फरमाया कि आमदनी चुमा पेर तैडे लब खोल वैसे जड़ा तू आसे आमदनी चुम्मा पेर तैडे लब खुल वैसे जड़ा तू आसे मेरे दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे दर खुल वैसे जड़ा तू आसे मेरे दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे दर खुल वैसे जड़ा तू आसे और जो गुजरी नाल मैं उजड़ी दे जो गुजरी नाल मैं उजड़ी दे
दुख भूल वैसे जड़ा तू आसे नाशाद मैं कमली भोली कूं लग मोल वैसे जड़ा तू आसे। तो मैं बिला ताखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज करना। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु कि ऐ लोगों मेरे नबी दे नाल चार तरह के ताल्लुक कायम कर लो। अगर तुसा तमीद ना समझी अगो गल समझ कोई नहीं आनी। की फरमाया मेरे नबी दे नाल कितनी तरह के ताल्लुक कायम कर लो? चार तरह के ताल्लुक कायम कर लो। पहला ताल्लुक बयान किया फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही मेरे नबी ते ईमान लाए हो। मेरे नबी ते ईमान लाए हो। ये पहला ताल्लुक बयान किया। दूसरा ताल्लुक बयान किया वा अज़रू हो मेरे नबी दी ताज़ीम करो। मेरे नबी दी। तीसरा ताल्लुक बयान किया वा नसरू हो मेरे नबी दी मदद करो। मेरे नबी दी मदद करो। और चौथा ताल्लुक बयान किया वत्तबा उन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उस नूर उस कुरान की इतिबा करो जिहड़ा कुरान असी मुहम्मद अरबी ते नाजिल किया। हुण तवज्जो करना असा हुण इन्हां चारे ताल्लुक नूं इस मुख्तसर जे वक्त के अंदर डिस्कस करना है ते जे तुसां सहं के सुनना ते फिर मजा नहीं आएगा। मैं चाहना कि जिस वेले मैं बयान करके जावां सुबह बच्चे बच्चे की जबान ते चारे ताल्लुक इंज जबान ते चलन जिवें हाफ़िज़े कुरान की जुबान ते कुरान चलता है। तो पहला ताल्लुक बयान कर रहे हैं फल्लज़ीना आमनु बिही मेरे नबी ते ईमान लाए। सब तो पहले इस गल नूं समझो कि ईमान का मतलब की है। ईमान का माना की है? अज जेड़ा चोरी करे वह भी आदा मैं ईमान आला। जेड़ा शराब पीवे वह भी आदा मैं ईमान आला। जेड़ा जिना करे वह भी आदा मैं ईमान आला। जेड़ा लोगों दियां इज्जतां लुटे वह भी आदा मैं ईमान आला। ईमान का माना असा ना समझिया कि ईमान आधे के नूने थोड़ा जा जा ईमान आधे के नूने। ईमान का मतलब यह है किसी दी गल नूं किसी दे एतमाद ते मन लेना। किसी दी गल नूं किसी दे एतमाद ते मन लेना। समझ अंदर आवे या ना आवे, अकल अंदर आवे या ना आवे, अगर आमना दा लाल फरमा देवे सिर झुक जावे इनू ईमान आथे। अगर आमना दा लाल फरमावे सिर झुक जावे इनू ईमान आधे ने। तो ईमान ते खदी से पाक समात करो। मेरे नबी दे सहाबा दा मजमा लगाया तो मेरे नबी ने सवाल किया सहाबा ते उलमा दी मौजूदगी च बात कर रहे हैं। फरमाया मेरे प्यारे सहाबा अज मुहम्मद नू एक गल दा जवाब दियो। फरमाया अय्युल खालके आजब इलैकुम ईमाना। सोना अल्लाह दी मखलूक चो सब तो अजीब तर ईमान किन्ना लोगों का है? सवाल किसने किया? मेरे करीम आका ने। माशाल्लाह अल्लाह तुहान सलामत रखे। बहुत अच्छी समात कर रहे हो। के फरमाया अय्युल खालके आजब इलैकुम ईमाना। मेरे सहाबा एक गल का जवाब दियो अल्लाह दी मखलूक चो सब तो अजीब तर ईमान किन्ना लोगों का है? अहमदाबाद के गैरतमंद नौजवानों तवज्जो करना। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अल मलाइका फरिश्तियां दा ईमान अजीब है। मेरे नबी ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून। फरिश्ते क्यों ना ईमान लेके आवन जेड़े हर वेले
अल्लाह दी तजल्लियात दे अंदर, अल्लाह दी नवाजशात दे अंदर, अल्लाह दी करम नवाजियां दे अंदर अजे फरिश्तियां नहीं ईमान लेके आना ते किने ईमान लेके आना। अर्ज कीती हजूर अगर फरिश्तियां दा ईमान अजीब नहीं फन नबी यूना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वत नबियां दा ईमान अजीब तर है, नबियां दा ईमान अजीब तर है। मेरे आका ने मुस्करा के फरमाया वमाला हुम ला युमिनून, अल्लाह दे नबी क्यों ना ईमान लेके आवन, अल वहयो यनजिलु अलैहिम, जिन्ना ते हर वेले अल्लाह दी वही नाजिल हो रही, कदी तौरात कदी जबूर कदी इंजील कदी कुरान, अजे नबियां ने ईमान लेके आना ते कहने ईमान लेके। अर्ज कीती हजूर अगर मलाइका दा ईमान भी अजीब नहीं, नबियां दा ईमान भी अजीब नहीं, फनहनो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह असा सहाबा दा ईमान अजीब तर है, असा सहाबा दा ईमान अजीब तर है। मेरे आका ने फरमाया वमा लहुम ला तुमिनून, और तुसी मुहम्मद ते क्यों ना ईमान लेके आवो, कदी मुहम्मद नू सूरज नू वापस बुलांदे आवे दे हो, कदी मुहम्मद नू चांदे दो टुकड़े कर दे वे दे हो, कदी मुहम्मद दे सामने दरख्तां नू सजदा कर दे वे दे हो, कदी मुहम्मद दी मुट्ठी दे अंदर कंकरियां नू कलमा पढ़ दे वे दे हो, अजे तुसा नहीं ईमान लेके आना ते कहने। अर्ज कीती हजूर साडा इलम जवाब दे गया, साडा इल जवाब दे गया, खुद इरशाद फरमाओ किन्ना लोगों का ईमान अजीब तारे। अहमदाबाद के गैरतमंद नौजवानों जुमला सुन के खुश हो जाओगे, कितने खुश नसीब हो जिहड़े अज सरकार दे उम्मती बैठे हो। जदो सियाबा ने कहा या रसूल अल्लाह साडा इलम जवाब दे गया, मेरे आका ने फरमाया सियाबा याद रखना तुसी ते वेख के ईमान लेके आयो, मेरे तो बाद एक ऐसी कौम आएगी जिन्ना सुनिया होएगा कोई वंदुहा दे चेहरे वाला हा, जिन्ना सुनिया होएगा कोई माजाक दे कजले वाला हा, जिन्ना ने सुनिया होएगा कोई अलम नशरा दे सीने वाला हा, जिन्ना ने सुनिया होएगा कोई वल्लैल दिया जुल्फा वाला हा, तुसी ते वेख के ईमान ले आयो। तुहाडा ईमान अजीब तर नहीं है, जेड़े मुहम्मद दे वेख के बगैर ईमान ले आवनगे उन्हां दा ईमान अजीब तर। फरमाया उन्हां दा ईमान अजीब तर होएगा, ते कितने खुश नसीब हो। इसी वास्ते अल्लाह ने कुरान च फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, के जेड़े गैब ते ईमान लेके आए। और सुनो एक तुहाडी खुश नसीबी है जेड़े आज सरकार ते गैब गैब बिल गैब ईमान बिल गैब लेके आए। मेरे आका ने फरमाया तूबा मुबारक होवे उस बंदे नू ले मन रानी जिसने मुहम्मद नू वेख्या व आमा नबी ते मुहम्मद ते ईमान ले आया। मेरे नबी ने एक बारी मुबारक दी, कितनी बारी मुबारक दी थी, एक बारी फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन नबी, मुबारक होवे उस बंदे नू जिसने मुहम्मद नू वेख्या वेखण तो बाद ईमान ले आया। ते मेरे नबी ने फरमाया व तूबा सब अमर्रा, सात बारी मुबारक होवे उस बंदे नू ले मल्लम यारानी जिसने मुहम्मद नू वेख्या नहीं, जिसने मुहम्मद नू वेख्या नहीं, वेखे बगैर ईमान ले आया है, ते जेने वेख के ईमान ले आंदा ओनू एक बारी मुबारक दिती, ते जेने वेखे बगैर ईमान ले आंदा मेरे नबी ने सात बारी मुबारक। ते कितने खुश ने, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह नारा रिसाला नारे तहकीक नारे हैदरी। सरकार ने सात बारी मुबारक दी, जरा उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। आओ मेरे मुसलमान भाइयों अल्लाह दा कुरान की आदा में फल्लाजीना आमनु बिही
अल्लाह दे कुरान ने पहला ताल्लुक बयान कीता मेरे नबी ते ईमान ले ओ। ईमान दा मतलब की है? ईमान दा मतलब है किसी दी गल नू किसी दे तमाद ते मन लेना। समझ अंदर आवे या ना आवे, अकल अंदर आवे या ना आवे, अगर आमना दा लाल फरमा देवे इस ते सिर झुक जावे इनू ईमान आ देने। ते मैं तैनू ईमान ते पहली मिसाल देंदा जावा, जदों अल्लाह ने मेरे नबी नो मेराज दी रात अरशां दी सैर कराई है, अल्लाह ने जन्नत दोजख दा मुशाहदा कराया है। ते कुर्बान जावा जेड़े वेले सुबह दा टाइम होया मेरे आका दे सामने अबू जहल आ गए। जदों अबू जहल आया मेरे आका नू कहन लगा अज लगदा है मुहम्मद कोई नवी गल सुनावेगा। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ अज अल्लाह ने मैनू अरशां दी सैर कराई है, जन्नत दोजख दा मुशाहदा कराया है। अबू जहल ने सारे लोगों नू इकट्ठा कीता, जिने वेले लोग इकट्ठे हो गए ने अबू जहल चलदा चलदा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दरवाजे ते गया। जदों अबू बकर सिद्दीक आप दे दरवाजे ते गया जाके आंदा है अबू बकर अज इक गल दा जवाब मैनू दे दे। अरे अबू बकर ने कहा की गल है? उन्हें कहा अगर कोई बंदा आम बंदा गल करे मैं रातों रात आसमाना ते गया वा, रातों रात जन्नत दोजख दा मुशाहदा कीता है, क्या गल मान लवेगा? अबू बकर सिद्दीक ने आपने फरमाया अगर कोई आम बंदा गल करे मनने च नहीं आउंदी है। उन्होंने आखिया लोया गर्म हो गया, अबू बकर ते साडा दा चल गया। उन्होंने कहा ओ अबू बकर अगर ने मंदा आ साडे नाल अपने यार मुहम्मद दा इनकार कर, तेरा यार भी दावा कर रहा है मैं रातों रात आसमाना ते गया वा, रातों रात जन्नत दोजख दा मुशाहदा कीता है। जेड़े वेले अबू बकर ने गल सुनी है आपने फरमाया है ओ लनते तुहाडे ते तुसी आदे हो आम बंदा, अगर आम बंदा गल करे अबू बकर नहीं मंदा, जे यार मोहम्मद गल करे अबू बकर मान जांदा। फरमाया जे यार मोहम्मद गल करे अबू बकर ते ताई ते आरफा दे आरफ फरमांदे ने के जो कोई किसे दा है आशिक होवे ते गल उसे दी कर करे बगाने करे के अते नामियों दे ही मरदा। जनाबे अबू बकर ने फरमाया आम बंदा अगर आम बंदा गल करे अबू बकर नहीं मंदा, जो यार मोहम्मद गल करे अबू बकर मन जांदा। ते कुर्बान जावा अबू दाऊद शरीफ दी हदीस पाक, एक यहूदी ने मेरे नबी दे नाल घोड़े दा सौदा कीता। जिस वेले घोड़े दा सौदा होया ना ते बाद दे अंदर यहूदी मुकर गया, उन्हें आख्या कोई गवाह पेश करो। कुर्बान जावा कोलो मेरे नबी मुस्तफा दे सहाबी उन्होंने कहा मैं गवाही देना घोड़े का सौदा होया। जरा उच्ची आवाज नाल की आख्या मैं गवाही देना घोड़े का सौदा होया। यहूदी ने घोड़ा मेरे नबी दे हवाले कर दिता। जिस वेले मेरे नबी दे हवाले किया ना यहूदी चला गया। मेरे आका ने हजरत खुजैमा नू कोल बुलाया, फरमाया ओ खुजैमा जिस वेले घोड़े दा सौदा होया तू कोल मौजूद, कोई ना गवाही क्यों दिती है? जरा उच्ची आवाज नाल आओ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने फरमाया ए खुजैमा जिने वेले घोड़े दा सौदा होया तू कोल मौजूद, कोई ना
अरे गवाही क्यों दिती है, क्यों गवाही दिती है। अरे अहमदाबाद दे गैरतमंद नौजवानों जड़ा जुमला खुजैमा ने बोलिया आपने की फरमाया, ए सोना तुसा आख्या है अल्लाह मौजूद है वेख्या कोई नहीं है, तुसा आख्या जन्नत मौजूद है वेखी कोई नहीं है, तुसा आख्या हूरा मौजूद ने वेखिया कोई नहीं ने, तुसा आख्या गिलमान मौजूद ने वेखे कोई नहीं ने। या रसूल अल्लाह इतनिया चीजा वेखे बगैर मन लिया ने, घोड़े दे सौदे दी केड़ी गल है, वो मेरे आका इतना राजी होए इतना राजी आपने फरमाया। ओ खुज़ैमा शरीयत ते कानून है हर मामले दे अंदर दो बंदियां दी गवाही कबूल होती है, पर अज तो बाद ओ मेरे खुज़ैमा तेरी इको दी गवाही दो बंदियां दे बराबर होवे। ते हजरत खुज़ैमा खुशी खुशी वापस जा रहे ने, रस्ते दे अंदर लोगों ने पूछा है ए खुज़ैमा वजह की है, आज तेरे चेहरे ते मुस्कुराहट क्यों आ गई है। ते आपने फरमाया आज नबी ने मैनू मकाम दे दिता है, आज मेरी गवाही दो बंदियां दे बराबर कर दिती है। ते किसी आशिक ने कलम चाया ओ की फरमांदे ने के वाह वे गईया सरकार ने फरमाया कि ला तमसुन नार उस आख नू कदी भी अग छू नहीं सकती, ले मन रानी जिस आख ने मुहम्मद नू वेख लिया, जिस आख ने मुहम्मद नू वेख लिया। ते कुर्बान जावा मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जिन्हां ने अजे इस्लाम कबूल नहीं किया, अब्दुल उज़ा उस जवान दा नाम है, वालदे गरामी फौत हो गया ते मां ने दूजी शादी कर ली, चाचा परवरिश कर रहा। दिन गुजरते गए एक दिन मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवें मक्के दी गलियां चो गुजरे ना, अब्दुल उज़ा दी निगाह मेरे नबी दे चेहरे ते पई। जरा उच्ची आवाज ना, जिमें मेरे आका दे चेहरे ते निगाह पई ते मेरे आका दे दीवाने हो गए। रोजाना राच बह जावन मेरे आका दा गुजर होवे ते गौर नाल वेखन, ते जदों मेरे आका ओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के तो मदीने हिजरत की थी, हुण चेहरा नजर नहीं आ रहा। अब्दुल उज़ा बड़े परेशान हो गए, जाके आदे ने चाचा मैनू इजाजत दे, मैं मुहम्मद दे देश जाना चाहना। चाचे ने कहा दोबारा मुहम्मद दा नाम ना लवी, दोबारा मुहम्मद दा नाम ना लवी, पर कुर्बान जावा जिन्ना चेहरा डिठा होवे एवें नहीं। मेरा वीर आरफा दे यार फरमाया के तू अजे मेरा बाबो जिनू वेख के चाहे
शर्मा वे ओ जे ओ खोले ओ यारों वाले जुल्फा दे तेरा हीरा बदला वे चाचे ने क्या है दोबारा मोहम्मद दा नाम न ले कुर्बान जावा जिन्ना ने एक वारी चेहरा वेखे होवे ओ तड़प जांदे ने जदों मेरे आका ने मक्के तो मदीने हिजरत कर ली है हुण चेहरा नजर नहीं आ रहा अब्दुल उज़ा अपने चाचे कोल गए ने जाके आंदे ने चाचा मैनू इजाजत दे मैं मुहम्मद दे देश जाना चाहना वा चाचे ने क्या दोबारा मुहम्मद दा नाम न लवी ओए अहमदाबाद दे गैरतमंद नौजवानों अब्दुल उज़ा ने चाचे ने इतना मारिया वे इतना मारिया वे के बदन दे कपड़े भी उतार लेने हुण रात दा टाइम हो गया अब्दुल उज़ा ने सोचिया है के दे दरवाजे ते जावा फिर दिल दे अंदर ख्याल आया है मां मां आउंदी है चलो मां दे दरवाजे ते जाना वा चलदे चलदे अपनी मां दे दरवाजे ते गए ने जदों दरवाजे ते पहुंचे ने दरवाजे ते दस्तक दी है अंदरों आवाज आई है मल्द कलबाब कौन है दरवाजा खटकाउण वाला अब्दुल उज़ा ने कहा अम्मा दरवाजा खोल मैं तेरा पुत्र आया वा जिनू चाचे दे सारे छोड़ के टुर गई है अज चाचे ने इतना मारिया है इतना मारिया है बदन दे कपड़े भी उतार लेने ओ लोगो मां मां ही होंदी है ना मां ने कंबल दिता है आपने दो टुकड़े किते ने एक टुकड़े दे नाल आपने कमीज बनाया है एक टुकड़े दे नाल तहमद बनाया है ते मदीने वाल सफर मदीने वाल सफर शुरू कर दिता है जिने वेले मदीने वाल सफर शुरू कर दिता है रस्ते दे अंदर एक बंदा मिले आए उन्हें क्या है अब्दुल उज़ा अपना मकाम वेख मोहम्मद का मकाम वेख अपनी हालत वेख मोहम्मद की हालत वेख किवें तू मदीने जा रहा है ते जिहड़ा जवाब अब्दुल उज़ा ने दिता है आपने फरमाया ओ मेरे नबी आउण वाले दी हालत नू नहीं वेदे ने आउण वाले दे मकाम नू नहीं वेदे ने अगर मेरे नबी वेदे ने ते आउण वाले दी नियत नू वेख्या कर दे अब्दुल उज़ा चलदे चलदे जिस वेले मदीने पाक पहुंचे ना कुर्बान जावा अखां चो आंसू जारी मेरे नबी मुस्तफा ने फरमाया अब्दुल उज़ा किवें आया सोना तुहाडा प्यार लेके आ गया तुहाडी मोहब्बत लेके आ गई मेरे आका ने कलमा पढ़ाया इस्लाम कबूल कर लिया जिस वेले इस्लाम कबूल कर लिया मेरे आका ने कुरान पढ़ाया आज किसी नू कारी सदाकत अली कुरान पढ़ावे कारी करामत अली कुरान पढ़ावे वो बाबा फखर करदा है कि मैनू कारी करामत ने कुरान पढ़ाया कारी सदाकत ने कुरान पढ़ाया कुर्बान जावा अब्दुल उज़ा जिनू कुरान भी कुरान वाले ने पढ़ाया यार ते मेरे आका ने फरमाया अज तो बाद तेरा नाम अब्दुल उज़ा नहीं ए जहलियत आला नाम है अज तो बाद तेरा नाम है अब्दुल्ला जुल बजादैन बजादादे ने मोटी चादर नू चूंकि आपने कंबल दे दो टुकड़े किते आ फरमाया अज तो बाद तेरा नाम अब्दुल्ला जुल बजादैन है कुर्बान जावा एक दिन आप मस्जिद के अंदर बैठ के कुरान की तिलावत करन लग पे जिस वेले कुरान की तिलावत शुरू की थी ना थोड़ी जी आवाज़ बुलंद हो गई हजरत फारूक आजम आप चलते चलते मेरे नबी को आ गए आके अर्ज करते ने सोना इस इराबी नू कुरान पढ़ना नहीं हुंदा एडी उच्ची आवाज नाल कुरान पे पढ़दा मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे उमरे फारूक मेरे इस आशिक नू कुछ ना आख मेरे इस आशिक नू कुछ ना आख इन्हें मेरी खातिर बड़े दुख झीले ने बड़िया तकलीफा बर्दाश्त कीतिया ते कुर्बान जावा एक दिन अब्दुल्ला जुल बजादैन चलदे चलदे मेरे आका कोल आ गए आके अर्ज करदे ने सोना गोरे गोरे हाथ चाओ ना मेरे वास्ते दुआ फरमाओ ना अल्लाह मैनू शहादत दी मौत अता फरमावे आओ मेरे मुसलमान भाइयों जदों अब्दुल्ला जुल बजादैन मेरे आका दे कोल आके अर्ज करदे ने सोना गोरे गोरे हाथ
बचाओना मेरे वास्ते दुआ फरमाओना अल्लाह मैनू शहादत दी मौत अता फरमावे ते मेरे आका ने फरमाया एक दरखत का छिलका लेके आ जाओ जदों दरखत का छिलका लेके आए ने आपने कंधे दे नाल बन दिता है ते मेरे आका ने फरमाया जा टुर जाओ तेरे ते दुश्मन दी तलवार असर नहीं करेगी ते हजरत अब्दुल्ला दी अखां चो आंसू जारी हो गए अरज कर देने सोना अगर दुश्मन दी तलवार मैनू ना लगेगी मैनू शहादत किवें मिलेगी ते मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामा तैनू शहादत तलवार नाल नहीं तैनू शहादत बुखार दे नाल मिले एक जंग दे अंदर तैनू बुखार हो जाएगा उस हालत दे अंदर जड़ी तेरी मौत वाके होएगी कोई आम मौत नहीं होएगी शहादत दी मौत होएगी अरे कुर्बान जावा एक जंग दे अंदर जनाबे अब्दुल्ला जुल्बजादैन आप नू बुखार हो गया आप नू पता चल गया मेरा आखिरी वेला आ गया है आपने संगियां नू आख्या जल्दी करो मैनू जाके नबी दे कोल ले जाओ मैनू आखां दे कोल ले जाओ मैं आखरी दीदार कर लवां जिवें अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन नू उठाया गया मेरे आखां दे कोल लेके आ गए जिवें मेरे आखां दे चेहरे ते निगाह पई है ते रो के किया देने लै ओ यारी हवाले रबी दे अते लंबी पई है जुदा ही रब मिलाया ते फेर मिला गए ते होर उम्मीद ना काही अल्लाह अकबर या रसूल अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन दी रूह परवाज़ हो गई और ओ सहाबी रसूल ने जिन्ना दी कबर मेरे आका ने हत्थां दे नाल तैयार की थी जिस वेले कबर तैयार हो गई मेरे आका ने अपने गुलाम नू हाथ ते चुकिया आ मेरा वीर जदों मेरे आका ने अपने गुलाम नू हत्थां ते चाया है ते मेरे आका ने दुआ मंगी है ए मेरे अल्लाह मैं अपने गुलाम ते राजी हाँ तू भी राजी हो जाओ जड़े वेले मेरे आका ने लफज बोले कोल मेरे आका दे सहाबी जिन्हों का ना इबने मसऊद है उन्हों की अखा चो आंसू जारी हो गए अरे किसी ने पूछा है तुसी क्यों रोंदे पे हो उन्होंने जवाब दिता है मैनू नौजवान की मौत ते रश्क आ गया अज काश इन्हों की जगह ते मेरी मैयत होवे आओ मेरे आका मेरी मैयत नू भी चाह के फरमाव ए मौला मैं अपने गुलाम ते राजी हाँ तू भी राजी हो जाओ ते जदों मेरे आका ने अपने गुलाम नू कबर दे अंदर दफन कीता है उतो मट्टी पा दीती है ते आशिक ने कलम चुकिया है की लिखदा है के जेड़े कहंदे सी मरा गे ना या रिया ने मुहम्मद बूटिया जो
ओ कमली वाले दी सचियां यारियां ने फलजीना आमनु बही मेरे नबी ते ईमान ने और मेरे हजूर जाल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना आलिया फेरा शरीफ आपने जियाउन नबी शरीफ के अंदर लिखिया एक दफा एक यहूदी ने एक गो का शिकार किया। तवज्जो है जागदे बैठे हो जरा उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। जिस वेले गो का शिकार किया ना उन्हें गो ने अपनी कछ के थले दे लिया ते चलदा चलदा अगे आया अगे उन्हें वेख्या के कुछ मजमा उन्हें आख्या मजमा किवें लगोया उन्होंने आख्या भाई एक नौजवान है जिसका नाम मुहम्मद अरबी है उन्हें नबूवत का दावा किया ये उन्होंने सियाबा का मजमा वह बंदा सारिया चो मजमे चीरदा चीरदा अगे आया उन्हें आंदिया नाउज बिल्ला मिन ज़ालिके लफज बोलिया उन्हें मेरे नबी नू आख्या ऐ झूठे दी औलाद जनाबे फारूक आजम दी तलवार नियाम तो बाहर आ गई। मेरे आका ने फरमाया ना उमर या रसूल अल्लाह साढ़े होने कोई तुहानू गालां देवे साढ़े कोल बर्दाश्त होंदा ते मेरे आका ने फरमाया उमर वो गालां मैं प्या देंदा तैन ते नहीं ना देंदा। उन्हें फौरन मेरे आका दे सामने आया सरकार ने फरमाया की चाहना है उन्हें गो नू अपनी कछ दे थलो कढ़िया मेरे नबी दे सामने सुटिया उन्हें आख्या जे अज गो बोल के तुहाडे ते ईमान लै आवे ते मैं भी तुहाडे ते ईमान लै आवांगा ते मेरा विजदान आदा है मेरे नबी ने दिल च सोचे होएगा कि नेड़े ओ मुका छड्डी आई जरा उच्ची आवाज नाल मेरे आका ने फरमाया की आखी उन्हें आख्या जे गो तुहाडे ते ईमान लै आवे ते मैं तुहाडे ते ईमान लै आवां। और याद रखो जानवर बेजबान ने बोलते नहीं लेकिन जिस वेले किसी नबी दे सामने आवन ते अल्लाह जबान भी अता फरमा देता है। मेरे हजूर ज़ियाल उम्मत ने लिखिया कि जिवें उन्हें गो कढ़ के मेरे नबी दे सामने सुटी ना उन्हें आख्या गो बोल जावे ते सारे रौले मुक जाएंगे ते मेरे नबी मुस्तफा ने फरमाया ये केड़ी गल है ऐ हुणे गो नू बुला लैने आ उच्ची आवाज नाल यार थोड़ा जिहा जाग के आओ मेरे मुसलमान भाइयों जदो मेरे आका दे सामने गो नू सुटिया गया मेरे आका ने की फरमाया या दबो ऐ गो बोलना ते उस गो ने जवाब दिता है लबई सरकार ने फरमाया ध्यान रखी पहला सवाल मेरे नबी ने फरमाया याद अबो ओगो ने बोल किया क्या लब्बई का वसा दई का या रसूल अल्लाह अहमदाबाद तवज्जो करना मेरे आका ने दूजा सवाल किया ऐ गो बोल के दस मन ताबुदू तू के दी इबादत कर दी है आ मेरा वीर मेरे आका ने दूजा सवाल केड़ा कीता याद बो मन ताबदो तू के दी इबादत करनी है ते उस गो ने जवाब दिता है अल्लाह जी समाए अर्शु व फिल अर्दी सुल्तानहु व फिल बहरी सबीलहु व फिल नारी इकाबहु व फिल जन्नती सवाबहु उस गो ने जवाब दिता है मैं उस अल्लाह दी इबादत करनी हूं जेदा अर्श आसमाना दे अंदर है जेदी बादशाहत जमीना दे अंदर है जेदा रास्ता समंदर दे अंदर है जेदा अजाब जहन्नुम दे अंदर है ते जेदा सवाब अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत दे अंदर रख दिता। जिस वेले दो सवाल हो गए
यहूदी बड़ा हैरान हो गया कि है बेज़बान ते अज गल्लां पे कर बोलदी पई है गो हुण तवज्जो करना मेरे नबी ने तीजा सवाल कीता आ मेरे आंखां दे नाल प्यार करने वालों मेरे आंखां ने जिने वेले तीजा सवाल कीता मन अना फरमाया गो बोल के दस मैं कौन हां तवज्जो है मेरे आका ने फरमाया मन अना मैं कौन हां ते उस गो ने जवाब दिता अंता रसूलुल्लाह तुसी अल्लाह दे रसूल हो ते जड़े यहूदी ने गो दी आवाज सुनी है ते मेरे आका दे कदमा ते गिर गया ते रो के आदा है तू शाह है खूबा तू जाने जाना है तेरा ओ मुल्क किताब तेरा ना बल सकी है ना बल सकेगा मिसाल तेरी जमात तेरा ना बल सकी گر کے اسلام قبول کر لیا فلذین آمنوا بہی پہلا تعلق میرے نبی تے ایمان لیا اگے دوسرا تعلق بیان کیتا و عزروہ میرے نبی دی تعظیم کرو میرے نبی دی تعظیم کرو تے تعظیم کوئی بندہ کردا ہے جدے دل وچ نبی دا پیار ہوے تے قربان جاواں میرے نبی مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا ادب صحابہ نے ظاہری زندگی وچ بھی کیتا تے میرے نبی مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے وصال تو بعد بھی کیتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چچا نے تے کسی نے حضرت عباس کو پوچھا اے عباس एक गल का जवाब दियो तुसा वड्डे हो या नबी वड्डे ने अंत अकबर हो अमीन नबी तुसा वड्डे हो या नबी वड्डे ने ते मैंने एक गल का जवाब दियो चाचा वड्डा होंदा या भतरिया वड्डा होंदा उच्ची आवाज नाल बुलिया यार ते हजरत अब्बास कौन हन मेरे नबी दे चचा जिस वेले पूछया ना अंत अकबर हो अमीन नबी तुसा वड्डे हो या नबी वड्डे ने हुण चाहीदा ते इह आ के हजरत अब्बास जवाब दे छड़ दे के मैं वड्डा पर कितना अदब दा ख्याल रखिया फरमाया की आखी उन्हें आखिया अंत अकबर हो अविन नबी तुसा वड्डे हो या नबी वड्डे ने आपने फरमाया वला तो कबला हूँ होवा अकबर हो मिनी जमिया पहले मैं यहां पर मोहम्मद मेरे तो वड्डा है जमिया पहले मैं हाँ पर मुहम्मद मेरे तो वड्डे ने ते कुर्बान जावा सहाबा किवें ताजीम करदे हन आ बुखारी शरीफ दी हदीस पाक सुन सुलह हुदैबिया दे मकाम ते जिस वेले मेरे नबी मुस्तफा दे सहाबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करदे हन ते सहाबा वुजू दे पानी वास्ते लड़दे हन कि वुजू दा पानी असीं हासिल कर लईए उरवा बिन मसऊद एक कट्टर मुशरिक है बाद दे अंदर इस्लाम कबूल कीता उन्होंने मुजाकरात वास्ते उरवा बिन मसऊद नू भेजिया उरवा बिन मसऊद ने ना जिस वेले सहाबा नू वेख्या कि सरकार दी एडी ताजीम पे कर दे वापस गए जाके आदे ने कुरेशियों वफतो अलल मुलू के मैं बड़े बड़े दरबारा च गया मैं बड़े बड़े दरबारा च गया वफतो अला कैसर मैं कैसरे रूम दे दरबार च गया व किसरा किसरा ईरान दे दरबार च भी गया व नजाशी नजाशी दे दरबार च भी गया इन रही तो मालकन युअज्जिमो अस्हाबहु मा युअज्जिमो अस्हाब मुहम्मदिन मुहम्मदा मैं एडी ताजीम किसी बादशाह दी नहीं वेखी जेडी ताजीम मुहम्मद दी मुहम्मद दे से आपा करदे ने उन्हें आख्या की वेखी हजरत उरवा बिन मसऊद ने जवाब दिता कुरेशियों कुछ ना पूछो उन्हें आख्या भाई कोई गल दसावे पता ता लग गया उन्हें आख्या मा तनखमा
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے او محمد عربی اپنی تھوک سٹ دا الا وقعت فی کف رجل منہم انہ چو ہر بندہ اگے ود کے اس تھوک نو چا لیندا ودالا کا وجہ ہو وجلدہ ہو اس تھوک نو اپنے چہرے تے مل لیندے جسم تے مل لیندے تے عروہ بن مسعود نے دسیا لوگو جیدی تھوک تیری میری تھوک ورگی جیدی تھوک ارے تیری میری تھوک ورگی ہو نہیں سکدی او محمد تیرے میرے ورگا کی بھی ہو سکتی مایا جیدی تھوک تیری میری تھوک ورگی ہو نہیں سکدی او محمد تیرے میرے ورگا کی وَعَزَّ رُوحُو میرے نبی دی تعظیم کرو اور تیسرا تعلق بیان کیتا وَنَسَ رُوحُو میرے نبی دی تعظیم کرو میرے نبی دی تعظیم تو بعد میرے نبی دی مدد کرو ہن سوال یہ ہے جس ویلے نبی دنیا تے موجود آن صحابہ نے مدد کی تھی ہن سرکار دنیا تے موجود کوئی نہیں اسی کیویں نبی دی مدد کر سکدے ہاں تو بڑے بڑے مفسرین نے لکھیا اے نصر الدین محمد اس تو مراد محمد دے دین دی مدد ہے اس تو مراد محمد دے دین دی مدد ہے قربان جاواں بہت بڑا بادشاہ گزریا سلطان محمود غزنوی نیک سیرت بادشاہ ایک دفعہ ایک بچہ رستے دے اندر سپارہ یا کوئی دینی کتاب لے کے بیٹھا آیا جی میں سلطان محمود غزنوی اس دا لشکر آیا اگے اگے مشلہ اس بچے نے ویکھیا کہ روشنی بڑی ہے اٹھ کے روشنی دے نال نال چل پیا جس ویلے سلطان محمود غزنوی دا گھر آ گیا انہیں بچے نو کول بلایا انہیں آکھے سارے گلاں پہ کر دینے کی وجہ ہیں تو گل کوئی نہیں پہ کردہ انہیں آکھے بادشاہ سلامت میں ڈاڑا غریب انسان تے میری دعا ہے اللہ کسے ہاں غربت نہ دے وے اللہ کسی نو تنگ دستی نہ دے وے آؤ میرا میر اسی واسطے عرفان دے عرف کتنی سونی گل کر کے گئنے کے روگا وچوں ایک روگ دادا ہے او یارو جس دا نام غریبی او کڑ کر کے لگ جانے کولو او رشتہ دار قریبی اس بادشاہ دا گھر آ گیا ہے انہیں بچے نو کول بولایا کی آدھا ہے میرے بیٹے ہر بندہ گل پیا کر رہا ہے تو گل بھی کوئی نہیں کیتی ہے وجہ کی ہے انہیں کیا بادشاہ میں بڑا غریب آؤ ایک غریب ماں دا بیٹا آؤ ایک غریب باپ دا بیٹا آؤ میرے گھر دے اندر اتنا تیل نہیں کہ چراغ جلایا جا سکے میں روشنی میں کیے اس روشنی دے اندر اپنا سبق یاد کر رہے آؤ او قربان جاؤ اس بادشاہ نے جدو گل سنیے آپ نے نوکرانو کم دیتا ہے جس وقت تک بچہ سبق یاد کرنا چاہے انہوں چراغ دے دیتا جاوے ادو سلطان رات نو ستاوے رات پئیے قسمت جاگ پئیے او میرے آقا نے خواب دے اندر دیدار عطا کرایا ہے میرے آقا نے فرمایا او سلطان میرے دین دے طالب علم دی عزت کرنا لے آؤ کل قیامت تلے دے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں نو معاف فرما دے تے میرا ویر پتا چلے آؤ جڑے اللہ دے دین دی مدد کرن اللہ بھی راضی ہوندا ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہوندا ہے آج بڑے افسوس دی گالے ساڑھے مدرسے غیر آباد ہو گئے نے ساڑھے مدرسیاں دے اندر بچے پڑھ رہے نے لیکن اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ استاد نو دیتی جا سکے او میرا ویر
अज साडा फर्ज बनदा वे असी अपनी हलाल कमाई चो इन्हां मदरसियां दी खिदमत करिए ताकि इन्हां मदरसियां दे अंदर तेरे मेरे बच्चे पढ़न, तेरे मेरे बच्चे पढ़ के आलमे दीन बनन। जदों तेरे मेरे बच्चे इन्हां मदरसियां दे अंदर पढ़न गए आलमे दीन बनन गए, कल दीन दी खिदमत करन गए, जदों दीन दी खिदमत करन गए ते खुदा भी राजी हो जाएगा ते मुस्तफा भी राजी हो। वत्तबाउन नूर अल्लाजी उनज़िलमा, उस कुरान दी इत्तबा करो जड़ा कुरान असा मुहम्मद अरबी ते नाजिल कीता। बड़े अफसोस दी गल है, एक ओ वक्त आ जिस वेले सुबह दा टाइम होवे आ मेरा जवान उठदा कुरान दी तिलावत करदा, होर कुछ करे ना करे कम अज कम सूरह यासीन जरूर पढ़दा। ते अज कल नाराज नहीं होना, मेरा जवान सुबह उठदा सब तो पहले टच मोबाइल दी ज़ियारत करदा। जिस बच्चे ने अद्धी अद्धी रात तक टच मोबाइल ते इंटरनेट चलाना, उस बच्चे सुबह उठ के की उसने कुरान पढ़ना ते की उन्हें नमाज पढ़नी। एक ओ वेला जिस वेले मावां भैणा सुबह उठ दियां कलमा पढ़ के और नमाज पढ़ के दुध रिड़क दियां। अज कल ते जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, मोटर आ गई, ना हाथ धोते ना स्तंजा कीता, बटन आन कीता दुध रिड़किया जा रहा है। जिस वेले कलमा पढ़ना नहीं उस असी साढ़े जिसम दे अंदर साढ़े जिसम दे अंदर खुराक जिहड़ी जा रही है उस दे अंदर कितनी बरकत होवेगी। पर कुर्बान जावां डॉक्टर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, दरवेश कलंदरी दरवेश लाहौरी, मेरी आखिरी 10 मिनट आदरी बस। जिस वक्त अलामा इकबाल कुरान पढ़ रहे ना, एक दफा अज असा लोग भी कुरान पढ़ते हैं, आप दे वालिद ग्रामी नूर मुहम्मद को गुजरे, उन्होंने कहा इकबाल की पे कर दियो, आपने फरमाया बाबा कुरान पे पढ़ता। दूजे दिन फिर गुजरे, फरमाया बेटा इकबाल की पे कर दियो, बाबा कुरान पे पढ़ता। जिस वेले त्रीजा दिन आया ना ते फिर नूर मुहम्मद ने कहा बेटा इकबाल की पे कर दियो, बाबा तुहानू नजर नहीं आ रहा कुरान पे पढ़ता। फरमाया बेटा नजर ते मैनू भी आ रहा पर जिवें तू कुरान पढ़ रहा इंज नहीं कुरान पढ़ना चाहिए। बाबा किवें? फरमाया कुरान समझ के पढ़। ओ बाबे दी नसीहत, ओ दिन गया। उस तो बाद जिस वेले भी इकबाल कुरान पढ़दा कुरान दे वर्क आंसुआ नाल तार हो जाया करते। और किसी ने इकबाल को लो पूछया, ए इकबाल तेरे दिल विच किवें इश्के रसूल आया? इकबाल ने कहा मेरे दिल दे अंदर इश्के रसूल पैदा करन वाली जात मेरे बाप दी जात। फरमाया किवें? आ फरमांदे ने कि एक दिन मैं फलसफा दी किताबां दा मुतालिया कर रहा, अचानक मेरे दरवाजे ते एक फकीर आ गया। फकीर ने दरवाजे ते दस्तक दी, मैं बड़ा डिस्टर्ब होया, बड़ा परेशान होया। दूजी बारी फिर दस्तक हुई, जदों त्रीजी बारी हुई ना, इकबाल आदे ने मैं बाहर निकल के उस फकीर दे मुंह ते थप्पड़ मार दिता, तू मैं डिस्टर्ब कर रहा। लेकिन बाद च मेरे जमीर ने मैनू बड़े मुलामत किया कि हाय इकबाल तू एक फकीर दे मुंह ते थप्पड़ मार दिता। शाम दा टाइम होया, नूर मुहम्मद आ गए, इकबाल अपने वालिद ग्रामी दे कोल गए। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, जड़े वेले इकबाल अपने वालिद ग्रामी दे कोल गए ने, जाके किया देने बाबा आज मेरे कोलो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बाप ने कहा की गुनाह की तई? इकबाल ने कहा आज मेरे दरवाजे ते एक फकीर आ गया, मैं फकीर दे मुंह ते थप्पड़ मार दिता। जदों फकीर दे मुंह ते थप्पड़ मारिया फकीर रोंदा रोंदा मेरी गली चो टुर गया। जिने वेले इकबाल आपने गल की थी है, लोगों नूर मुहम्मद दी अखां चो आंसू जारी हो गए। आपने वालद नूर मुहम्मद ने कहा ओ मेरे बेटे इकबाल, तू ते मेरी सारी जिंदगी दी मेहनत बर्बाद कर दीती है, मेरी सारी जिंदगी दी तरबियत बर्बाद कर दीती है, कल क्यामत आले दिन तू भी मौजूद होएगा, ए फकीर भी मौजूद होएगा, मैं भी मौजूद होवांगा, अमना दा लाल भी मौजूद होएगा। जिहड़े वेले फकीर साडे नबी दे सामने आएगा रो के आखेगा या रसूल अल्लाह
इस नूर मुहम्मद दे बेटे इकबाल ने मेरे मुंह ते थप्पड़ मारिया, मैं केड़ा मुंह अपने नबी नु विखावांगा। तू ते मेरी सारी जिंदगी दी मेहनत बर्बाद कर दिती है, मेरी सारी जिंदगी दी तरबियत बर्बाद कर दिती है। जेने वेले इकबाल ने गल सुनी है अपने बाप दे पैर ते गिर गया है, रो के आदा है बाबा एक बारी मैनू माफ कर दे, एक बारी अल्लाह दी बारगाह च मेरे वास्ते दुआ कर दे, क्योंकि मैं नबी दा फरमान पढ़िया है रिदर रब्बे फिर दल वाले दे, रब दी रजा वाले दहन दी रजा दी अंदर है ते रब दी नाराजगी वाले दहन दी नाराजगी दे अंदर है। जेने वेले इकबाल नू अरे इकबाल ने गल कीती है जनाबे नूर मोहम्मद इकबाल दे वालिद ने कहा ए मेरे बेटे एक शरत ते तैनू माफ करांगा, अज बाप दी नसीहत याद रख लै, अज बाप दी वसीयत अपने पल्ले बन लै, अरे दुनिया दे जिस कोने ते होवे तेरे दिल दे अंदर नबी दा प्यार मौजूद होना चाहिदा। ओ दिन गया उस तो बाद इकबाल जिथे भी जावे मेरे नबी दा प्यार दिल च मौजूद होंदा। बल्कि एक जगह मैं पढ़िया कि एक दफा इकबाल दे दोस्ता ने इकबाल दी दावत की थी, बड़ा खूबसूरत बेड बिछाया, सारे दोस्त मौजूद ने लेकिन इकबाल मौजूद कोई नहीं। किसी मार अमराज ने ढूंढिया इकबाल नजर आ गए, उन्होंने कहा की वजह इकबाल तेरे वास्ते ते बड़ा खूबसूरत बेड भी तैयार आ। इकबाल ने कहा लोगो मैं अज बेड नालों वेख्या मैनू अपने नबी की चिटाई याद आ गई है, मैं किवें इस बेड ते आराम करा। इश्क मुस्तफा इकबाल आदे ने कि मेरे दिल के अंदर मेरे वालिद ग्रामी नूर मोहम्मद ने पैदा किया। और मेरे अजीज दोस्तों आखिरी बात मेरी पूरी तकरीर दा निचोड़ सहबाने जी वकार, अज साडा मुआशरा ओ मुआशरा जिथे अज धीआं दी कदर मुक गई है, एक ओ वक्त आ जिस वेले असी किसे नु धी दी मुबारक दे भी आना ओ अगो परेशान हो जाया करदा। लोग जिस घर दे अंदर धी जम पवे आ उत्थे परचाउण वास्ते वेंदे आ कि यार बड़े अफसोस की गल है तेरे घर थी जम गई है, पर कुर्बान जावा मेरे नबी मुस्तफा ने फरमाया कि लोगो याद रखो बेटियां नाल अच्छा सलूक कीता करो, मैं मोहम्मद भी बेटियां वाला। और मेरे आका ने फरमाया जिस घर के अंदर दो धियां जम पवन उन्हां दी परवरिश करे, उन्हां नू जवान करे, उन्हां दी अच्छी तरबियत करे, उन्हां दी अगे शादी कर देवे। मेरे आका ने फरमाया क्यामत वाले दिन ओ ते मैं इवें होवांगे जिवें हाथ दीआं दो उंगलियां होंदियां। और ये भी गल याद रखो कि अज असीं माण करदे आं पुत्रां ते, असीं माण करदे आं बेटियां ते, ए ही बेटे जिस वेले जवान हो जावन बेवफा निकलदे ने, लेकिन बेटी कदी भी बेवफा होंदी नहीं। बेटी औखी होवे सौखी होवे अपने बाप दी कदी भी कंड नहीं लगन देंदी। लोगो चकवाल दा बड़ा मशहूर वाकया, भर पर हतार दे अंदर एक दफा एक आदमी दा जनाजा, जिस वेले जनाजे गाह दे अंदर उस आदमी दी मैयत मौजूद है, जनाजे वास्ते मौलाना साहब भी मौजूद ने, सारे लोग आ गए। अचानक एक अजनबी शख्स आया, उन्हें आख्या मैं जनाजा नहीं होने देना। फरमाया वजह की है, उन्हें आख्या पहले मेरे 2 लाख अदा करो, इस मैयत ने मेरे 2 लाख देने ने, ये 2 लाख पहले दियो तां जनाजा होने दे सा। ते अगे मैं शेर भी पढ़िया मियां साहब दा कि रोगा विचो एक रोग डाढ़ा यारो जिसका नाम गरीबी, कंड करके लग जांदे कोलों रिश्तेदार करीबी। जिस वेले उन्हें गल की थी रिश्तेदार हौली हौली सिर निवा के टुर गए, किसे कोल इतनी हिम्मत ना होई कि मैं यार 2 लाख अदा कर देना, पर कुर्बान जावा धियां धियां ही होंदियां ने। जिस वेले बेटी दे कन्ना ते आवाज पई ना कि अज मेरे बाबे दा जनाजा रुक गया। आ मेरे मुसलमान भाइयों जड़े वेले बेटी दे कन्ना ते आवाज पई है अज मेरे बाबे दा जनाजा रोक दिता गया है। किसे ने दसिया है कि एक अजनबी शख्स आ गया, उन्हें कहा है मैं तेरे बाबे दा जनाजा नहीं आन देना, ओ कुर्बान जावा लोगों थिया नाल प्यार कीता करना। अरे ओ बेटी चलदी चलदी जनाजे गा दे अंदर आई है, हाथ जोड़ के आ दिए चाचा मेरे बाबे दा जनाजा आन दे, ओ कुर्बान जावा लोगों थिया नाल प्यार कीता करो। अजकल
ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਜੇ ਜਵਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਦਾ ਕਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਦਾ ਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਬੇਟੀ ਉਸ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈਏ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਓਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਆਪਣਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਉਸ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀਏ ਇਹ ਚਾਚਾ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਲੈ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਤ ਇਤਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਇਤਨੀ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਮੈਂ ਅਜਨਬੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਮਈਅਤ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਆ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹ ਧੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਿਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਈ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੁਸਰ ਸੁਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਅਗਰ ਸੁਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਗੋਂ 2 ਥੱਪੜ ਵਿਖਾਵੀ ਇੰਜ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਾਹ ਕੇ ਸਾਜਿਦਾ ਆਪ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਡੋਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਅਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੰਸੂ ਆ ਗਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਲੀ ਤੇ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਕੀ ਆਖੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
मेरे बाबे ने मेरी रुखसती की, मेरे बाबे ने नसीहत की, ए फातिमा मेरे अली नु दुख न देवी, मेरे अली नु तकलीफ न देवी, ए अली मैं तेरे वालों वेखा या बाबे दे फरमान वालों वेखा। आज भी अगर मामा इंज अपनी बेटियां नु नसीहत करन ते खुदा दी कसम है घर बर्बाद ना होवन, एक घर आबाद हो जावन। तो सारे दोस्त मेरे नबी नाल चार तरह के ताल्लुक कायम कर लो और वेखो कि साडे ताल्लुक नबी नाल कायम हैं या नहीं। फल्लज़ीना आमनू बिही मेरे नबी ते ईमान लायो, व अज़रूहो मेरे नबी दी ताज़ीम करो, व नसरूहो मेरे नबी दी मदद करो, व तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मा उस कुरान दी इत्तिबा करो जेड़ा कुरान असी मुहम्मद अरबी ते नाजिल कीता। दुआ है अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाजरी कबूल मंजूर फरमाए। जी दोस्तों दी फरमाइश, मैं सिर्फ दो शेर मौला अली दी शान है, जरा उच्ची आवाज नाल कहो सुभान। मैं मुरीद हूँ अली दा, मैं मुरीद हूँ अली दा, ओ मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है। मैं मुरीद हूँ अली दा, मैं मोरे देहा अली दा, और मौला अली दे दरदा मंगता ए कुल जमाना, मौला अली दे दरदा मंगता ए कुल जमाना, कोई मारदा ए नारे कोई हो बने याहिद वली है। मैं मोरे देहा अली दा, और इस महफल चो ए मैसेज लेके जाओ, अपना करैक्टर अपना किरदार सोना सुचा ते खरा बना, इंज ना होवे जिस वेले तेरा जनाजा उठे लोग आखन शुक्र है कोई शराबी मगरोलत था, कोई जानी मगरोलत था, कोई बेहया मगरोलत था, बल्कि अपना करैक्टर अपना किरदार इतना सोना सुचा ते खरा बना जिस वेले तेरा जनाजा उठे बच्चे तो लेके जवान तक, जवान तो लेके बूढ़े तक, हर बंदे दी जुबान ते होवे वेखो कोई आशके रसूल मर गया, कोई दीवाना रसूल मर गया, कोई परवाना रसूल मर गया। जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी सलाम करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।